नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। आज हम एक सिसिलियन डिफेंस का अलग वेरिएशन देखने जा रहे हैं, जिसको कोपेक सिस्टम बोलते हैं। और एक डॉक्टर कोपेक करके एक इंटरनेशनल मास्टर थे यूएस के, उन्होंने ये डेवलप किया और उनके नाम से एक्सप्लोरर में ये दिया हुआ है। कोपेक सिस्टम ये ओपन सिसिलियन का एक प्रकार है। E4 C5 सिसिलियन खेला जाता है, नाइट टू F3 सफेद खेलता है, D6 ये खेलता है और बिशप टू D3 ये बिशप यहाँ पे लाते हैं। अभी यहाँ से लगता है कि इसने ये पॉन को ब्लॉक किया, डी पॉन को, D2 पॉन को ब्लॉक किया है और ये काला जो ऊंट है ये निकल नहीं पाएगा बाहर। लेकिन इसकी इसके आइडिया ये है कि ये पॉन C3 पे लेने वाला है और फिर बिशप को इधर C2 पे लेने वाला है। ये बेसिकली कोपिक के आइडिया है। इससे थोड़ा अलग भी खेलते हैं, तो काला के लड्डू E5 खेलता है, या तो ये खेलता है या नाइट C6 खेलता है, और नाइट C6 के बाद फिर वो E5 खेलता है। तो दोनों वेरिएशन सेम ही है, लेकिन दोनों वेरिएशन का एक एक गेम हम लोग देखेंगे। या तो कोई अलग भी खेलता है, जैसे नाइट बाहर लिया, या ये मेन मूव ये है। लेकिन तो हम लोग ये देखते हैं कि इसने पहले E5 खेला, फिर C3। ये बेसिक आइडिया कोपेक का, नाइट C3, मतलब कोपेक डॉक्टर के मन में जो था ये आइडिया। नाइट C6, बिशप C2, ये बिशप यहाँ पे लेता है वो C2 के ऊपर। अभी बिशप को देखो, अच्छी तरह से बहुत डेवलप होता है बिशप की। इसको ये पूरा डायगोनल है अटैक करने के लिए, C2 से लेके H7 के ऊपर, और C2 से लेके यहाँ A4 के इतना तरफ। शायद बहुत कम बार बिशप इतना डेवलप होता है। हाँ, दूसरा आइडिया था कि फियांचेटो करके बिशप यहाँ ऊपर लेने का, ये एक आइडिया है। उसमें वो जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा टाइम जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि काला कुछ भी खेले, ये सफेद ऐसे ही खेलते जाते हैं। हाँ, मैंने भी कई मैचेस में वगैरह ट्राई करा, वो उसको कुछ भी खेलने दो, हम यही खेलते हैं, ये करके बिशप यहाँ पे लेके आते हैं। बहुत कम बार ये खेला गया मैचेस में, इसमें कि ज़्यादा गेम्स मिलती नहीं है। लेकिन ट्राई करने के लिए कोई ऐसे हरकत नहीं, मैचेस हम लोग छोटी छोटी खेलते हैं इसमें, तो शुरू में शायद सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन जैसे खेलते जाते हैं वैसे सक्सेस मिलता है। और ये सफ़ेद खिलाड़ू के लिए बेसिकली डेवलप किया गया है, तो सफ़ेद खिलाड़ू के लिए अच्छा है, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसके उसमें के जो छोटे छोटे बारकावे रहते वो बाद में मालूम होते जाते हैं। H3 खेलता है, B क्रॉस, बिशप क्रॉस F3, क्वीन क्रॉस F3, नाइट F6 अभी लेते हैं वो, सफेद कैसल, क्वीन टू D7, नाइट A3, नाइट यहाँ ये बाजू में डेवलप करना पड़ता है, A3, मतलब नाइट ये अच्छी तरीके से नहीं डेवलप हुआ बोलो तो। D5, E क्रॉस D5, नाइट क्रॉस D5, बिशप F5, क्वीन D6, नाइट B5, क्वीन D8, क्वीन क्रॉस D5। अभी ये क्वीन विदाउट सपोर्ट इसने कैप्चर किया इसको। अभी क्या है कि ये समझो क्वीन से ऐसे लगता है मारा जा सकता है, लेकिन क्वीन से अगर मार दिया तो क्वीन क्रॉस D5 समझो किया, तो Nc7 आके वो किंग और क्वीन को फोर्क कर दे और ये क्वीन चली जाती है काली, तो इसलिए वो नहीं करता है। A6 यहाँ पे हम लोग थे, यहाँ पे थे, A6 खेलता है और नाइट को थ्रेटन कर दे। अभी नाइट अगर निकाला तो ये क्वीन चली गई, तो इसमें अच्छा इसको सॉल्यूशन है कि क्वीन एक्सचेंज कर देता है, किंग क्रॉस D8, किंग हिल गया तो उसका कैसलिंग का, सॉरी कैसल ही कैसल किया था क्या याद नहीं आ रहा, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया। Nc3, ब्लैक ने शायद कैसल नहीं किया अभी तक। Nc3, फिर जगह पे नाइट आता है, G6, Bb4, F5, Bc6, Bc6, Nc4,
बिशप जी सेवन, रुक ई वन। हाँ ये बिशप वही पे था, मतलब वो कैसल की मैं कंफ्यूज थोड़ा सा हो गया। ई फोर डी थ्री, ई क्रॉ डी थ्री, बिशप टू जी फाइव चेक, किंग टू सी एट, रुक टू ई सेवन, बिशप एफ एट, नाइट टू डी सिक्स एंड चेक, किंग टू डी एट, रुक ए सेवन और चेक है यहां से बिशप से, इसलिए रुक को नहीं मार सकता है। एक्चुअली इसको विंडमिल टाइप अटैक बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी। बिशप ई सेवन और अभी एक मूव में मेट है, बिशप क्रॉस ई सेवन एंड चेकमेट। हाँ किंग कहीं नहीं जा सकता है, इसको चेक है किंग को। दूसरा वेरिएशन देखते हैं, सी फाइव नाइट एफ थ्री, नाइट सी सिक्स खेलता है ये, बिशप डी थ्री, ई फाइव खेलता है। तो पहले नाइट खेला बाद में ई फाइव खेला, इतना ही फर्क है इसमें। सी थ्री डी फाइव, बिशप सी टू, नाइट एफ सिक्स, ई क्रॉ डी फाइव, नाइट क्रॉ डी फाइव, कैसल, बिशप जी फोर, एच थ्री, बिशप क्रॉस एफ थ्री, क्वीन क्रॉस एफ थ्री, नाइट एफ सिक्स, डी थ्री, क्वीन टू डी सेवन, नाइट टू डी टू, बिशप ई सेवन, नाइट सी फोर और काला के लड्डू यहाँ पे कैसल कर रहे हैं। रुक ई वन, इसको डबल थ्रेड है नाइट की और ये हाथी से थ्रेड हो गई। बिशप डी सिक्स, बिशप जी फाइव, क्वीन ई सेवन, बिशप क्रॉस एफ सिक्स, जी क्रॉस एफ सिक्स अभी करता है क्योंकि इसको लगता है कि शायद क्वीन को वो एक्सचेंज करेगा, क्वीन से क्रॉस करेगा तो और भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अभी इसका कैसल पूरा ब्रेक हो गया। डी फोर पहले किया, सी क्रॉस डी फोर, क्वीन टू जी फोर चेक, किंग एच एट, क्वीन ई फोर, एफ फाइव, क्वीन क्रॉस एफ फाइव, एफ सिक्स, नाइट क्रॉस डी सिक्स, नाइट क्रॉस डी सिक्स क्या क्या, क्वीन को क्रॉस किया, नाइट क्रॉस डी सिक्स, रुक डी एट, नाइट क्रॉस बी सेवन। तो एक मतलब पॉन और बिशप से एक ये आगे है सफेद के लड्डू। रुक बी एट, बिशप ई फोर, डी क्रॉस सी थ्री, बी क्रॉस सी थ्री, नाइट को सपोर्ट मिला, सी क्रॉस बी टू, रुक को थ्रेटन है, रुक इसने लिया डी वन के ऊपर। यहाँ इसको पॉन को क्वीन बना के कुछ फायदा भी नहीं है, दोनों हाथी उसको मारने को तैयार है। रुक क्रॉस बी सेवन, हाँ तो एक क्रॉस करके इसने इसको सपोर्ट देने की कोशिश की लेकिन फायदा नहीं। बिशप क्रॉस बी सेवन, क्वीन क्रॉस बी सेवन, रुक टू डी एट, क्वीन क्रॉस डी सेवन, क्वीन क्रॉस डी सेवन, रुक बी एट, क्वीन एफ सेवन, एफ फाइव, किंग एच टू, ई फोर, रुक टू डी वन, ई थ्री, रुक टू डी सेवन, क्वीन टू बी वन के ऊपर पॉन डाल के इसने क्वीन बनाया इसने, लेकिन यहाँ पे एक मूव में मेट है, वो क्वीन बना के उसका कुछ फायदा भी नहीं। इसने ये पहले किंग ऊपर लेके रखा था। हाँ क्वीन क्रॉस एच सेवन एंड चेकमेट। अभी और एक गेम देखते हैं जो थोड़ा सा अलग से खेला गया है। ये बिल वॉल सफेद खेल रहे हैं और ये गेस्ट को ये उसने उसके साथ खेला है। ई फोर सी फाइव सिसिलियन, नाइट एफ थ्री, डी सिक्स, बिशप डी थ्री, फिर इसने ये वाला नाइट खेला, नाइट एफ सिक्स, कैसल कर दिया, जी सिक्स, नाइट सी थ्री,
बिशप जी सेवन फैन चेट हो गया, रुक ई वन, सफेद ने कैसल, काला खिलाड़ू ने कैसल किया, बिशप सी फोर, बिशप जी फोर, एच थ्री, बिशप क्रॉस एफ थ्री, क्वीन क्रॉस एफ थ्री, नाइट सी सिक्स, डी थ्री, नाइट डी फोर, क्वीन टू डी वन, क्वीन को थ्रेटन किया था, ए सिक्स, बिशप टू जी फाइव, ई फाइव, बिशप डी फाइव, क्वीन बी सिक्स, क्वीन सी वन, रुक बी एट, एच फाइव, एच फोर, एच फाइव, रुक टू बी वन, क्वीन टू सी सेवन, रुक टू बी वन इसके लिए क्या कि पॉन ऊपर ले जा सके, यहाँ पे ये नाइट से एक क्वीन को थ्रेटन भी कर सकते हैं। क्वीन टू सी सेवन इसने पहले निकल लिया, बिशप क्रॉस एफ सिक्स, बिशप क्रॉस एफ सिक्स, क्वीन टू एच सिक्स, बिशप क्रॉस एच फोर, क्वीन क्रॉस जी सिक्स। अभी ये क्वीन को मार नहीं सकता क्योंकि पॉन जो है वो पिन किया हुआ है, बिशप से अटैक किया है किंग के ऊपर, ये पॉन हिला नहीं सकता। वो किंग एच एट, क्वीन क्रॉस एच फाइव, किंग जी सेवन, क्वीन जी फोर चेक, किंग एच सेवन, क्वीन क्रॉस एच फोर चेक, किंग जी सेवन, क्वीन टू जी फाइव, किंग टू एच सेवन, रुक ई थ्री। अभी रुक ये सफेद स्क्वायर पे एच थ्री पे आया तो चेकमेट हो जाता है, तो इसके लिए इसने ये स्क्वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वीन डी सेवन पे लेके आता है डी सेवन, लेकिन ये उससे ज़्यादा आइडिया करता है, क्वीन एच फोर को लेके चेक देता है, किंग जी सेवन पे आता है तो रुक जी थ्री पे आके चेक देता है, एक स्क्वायर अवॉइड किया है इसलिए उसने, क्वीन जी फोर डालने के सिवा कोई चारा ही नहीं, नहीं तो मेट ही हो जाता है। और अभी एक मूव में मेट है, रुक क्रॉस जी फोर एंड यहाँ पे चेकमेट हो गया। तो इस तरह से कोपेक वेरिएशन ये खेला जाता है, कम बहुत कम लोग खेलते हैं, ट्राई सफेद के लिए डेवलप किया गया ओपनिंग है, देखना ट्राई करना। और आज 1 जनवरी 2018 नए साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो और धन्यवाद, और कृपया सब्सक्राइब कीजिए।